My love for Amish and his work dates back to an afternoon where I was catching a flight to Delhi. And I had heard from so many friends of mine who had read Immortals of Miluha that I must read and grab a copy. So my flight was delayed, like most flights are these days, by nearly 2 hours. So I went and bought the copy, thinking that, you know, in the course of my two-day trip to Delhi, I will read whenever I get the time. What I didn't realize that I was going to be literally sucked into the journey of this new age Shiva that Amish created so fantastically for the world to discover. I started reading it, and it's normally that happens with a thriller or it happens with a whodunit, where you feel you can't put the book down. And I'm a nervous flyer, and that's the one flight that was really bumpy, and I wasn't afraid because I was sucked in by the world of Shiva. Somewhere there was a divine intervention, I think, that swept me into not feeling afraid of those bumpy clouds. I read it when we were taxiing. I was reading it when we were in midair. I read it on my way to the hotel. Then I checked in. My event was later that evening. I just started reading it. I just read it non-stop. देखिए मैं बहुत पढ़ता था स्कूल में. ऑफ कोर्स जैसे सब आज के जमाने के जो जनरेशन है वो हंगर गेम्स पढ़ते हैं. हम तो वी केम फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल रीडिंग. आई एम श्योर अमीश एंड आई प्रॉब्ली रेड द सिमिलर बुक्स. आई ग्रो अप ऑन इनेट ब्लाइटन लाइक मोस्ट गुड चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल्स वुड हैव रेड. अनफॉर्चुनेटली इनेट ब्लाइटन का अगर आप नाम आज ले लो तो जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं शायद उन्होंने सुना भी ना. आई वुड बी शॉक्ड इफ आई वाज गिवन हंगर गेम्स टू रीड एट 8 and 9. तो इट्स अ टोटली डिफरेंट आई वुड से जनरेशन. लेकिन पढ़ता हूँ, फिक्शन पढ़ता हूँ मैं. नॉन फिक्शन मैं आई लाइक जिंदगी नॉन फिक्शन होती है. तो आई थिंक जब भी वी नीड द काइंड ऑफ द सहारा ऑफ एस्केपिज्म तो हम फिक्शन ही पढ़ते हैं कि हम किसी और की दुनिया में चले जाएं. नॉन फिक्शन में क्या, मुझे लोगों के ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं आते. आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स टू रीड व्हाट फिलोसोफर्स और ह्यूमन गुरुज हैव टू से. आई बिलीव माई लाइफ इज माई ओन फिलोसफी एंड आई मेक इट ऑन माई ओन. देखिए अमीश ने मुझे इनवाइट किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू बी हियर. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास पहले जो किताब के राइट्स हैं इमॉर्टल्स ऑफ मिलुहा, बेहद पसंद आई मुझे किताब. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट बुक एंड अ ग्रेट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा. और जिस तरह अमीश ने ये दुनिया क्रिएट की है इन द सीक्रेट ऑफ द नागास, इमॉर्टल्स ऑफ मिलुहा, और अभी जो आने वाली किताब है मार्च में जो आने वाली है, रिलीज होने वाली है, ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, जो कंप्लीट करती है ये ब्रिलियंट ट्रिलॉजी को. तो मैं एज नॉट ओनली एज अ फैन ऑफ हिज वर्क बट ऑल्सो एज अ फिल्म मेकर मैं बहुत इंस्पायर हो गया. और मैंने सोचा कि ये जो इमॉर्टल्स ऑफ मिलुहा है इस बहुत ही खूबसूरत और एक ऊंची सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली फिल्म बन सकती है. तो ऑफ कोर्स ये राइट्स हमने अमीश वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस को ये राइट्स दिए हैं. और हमें ऐसा लगता है कि वी हैव अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू अमीश्स विजन. तो अब उसके आगे कब होगा, कब फिल्म शुरू होगी, वो सब अभी हम डिस्कशंस और डिटेल्स कर रहे हैं. लेकिन जब फिल्म बनेगी इट विल बी विद अमीश्स विजन इंटैक्ट. राइट, थैंक यू. सब पूछ रहे हैं कि एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कब बनेगी ये पिक्चर. इन सारे सवालों के जवाब मैं तब दूंगा जब सब कुछ तय हो जाएगा. अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि हम ये स्क्रीन प्ले को डेवलप कर रहे हैं.